छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले सभी वर्ग के शिक्षकों ने दुर्ग के मानस भवन में महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदर्शन व रैली निकालकर जताया अपना आक्रोश। छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा की जा रही प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन भी आंदोलन की राह पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिन्होंने अपने आंदोलन के तीसरे दिन मानस भवन के प्रांगण में हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसमें दुर्ग जिले के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर गृह भाड़ा भत्ता एवं डीए की मांग की। इस मौके पर टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य कर्मचारी को 3 अलग अलग प्रकार के डीए प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए केंद्र के समान सभी को डीए व महंगाई भत्ता देने की मांग की है। वहीं आंदोलन के दौरान टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने यह भी साफ कर दिया कि शासन द्वारा अगर उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो वे आंदोलन के दौरान स्कूली बच्चों के शिक्षा के हुए नुकसान को भरने अपना भरसक प्रयास करेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। की पढ़ाई अभी कुछ दिनों से प्रभावित हो रही है। हमने अपनी मांगे, जो जायज हमारी मांगे हैं, उनको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 25 तारीख से प्रारंभ किया है। दुर्ग जिले में ये हड़ताल प्रारंभ हो चुका है। दुर्ग जिले के तीनों विकास खंड में लगभग 100% बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में जब सरकार हमारी मांग को पूरी कर देगी तो हम ईमानदारी पूर्वक जैसे आज तक के बच्चों का भला करते आए हैं, उसी रूप में आगे भी बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाएंगे। अभी वर्तमान में हम लोग 25 तारीख से जो हड़ताल कर रहे हैं उसमें हमारी मुख्य मांगे दो है। एक तो 34% दिए और HR बढ़ाने के लिए है, जो हम महिलाओं को घर चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। कोई भी सामान जिसमें GST लगाकर और कई स्तर पर उसमें GST लिया जाता है, जिसके कारण हमको बहुत तकलीफ होती है। जितनी हमारी तनख्वाह है उतने में हमारा घर चलाना आसान नहीं है, जबकि हम दोनों मिलकर कमा रहे हैं फिर भी आसानी से हमारा घर नहीं चल पा रहा है। इसलिए हमको आवश्यकता है कि हमको 34% DA दिया जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए, और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे और ये सरकार से अपनी मांग पूरी करवा कर ही हम वापस अपने काम पर वापस। जो हम शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों का आंदोलन पूरे प्रदेश में 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है, और ये आंदोलन निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व में किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आप सबको पता है कि जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ प्रदेश में भी भारत सरकार ने पूरे अपने जितने कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, उनको 34% महंगाई भत्ता दे चुके हैं। साथ ही साथ पूरे देश के लगभग सभी राज्य अपने कर्मचारियों को 31% से 34% महंगाई भत्ता दे रहे हैं। साथ ही साथ इसी छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के DA दिया जा रहा है। एक पेंशनरों को 17%, हम शासकीय कर्मचारियों को 22%, और अखिल भारतीय केडर जो हमारे राजस्व से उनको वेतन मिलता है, ऐसे कर्मचारियों को 31%, और बिजली कर्मचारियों को 34%। तो हम शासकीय कर्मचारियों का एक ही मांग है कि पूरे छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाए, साथ ही साथ 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के लिए केंद्र सरकार की तरह 34% DA की मांग गले की हड्डी बनता साबित हो रहा है। देखना होगा कि सरकारी कर्मचारियों की इन मांगों को प्रदेश सरकार किस तरह से पूरा कर पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।